जिस बच्चे को अछूत जाति का मानकर पढ़ने से रोका गया वही बच्चा बाद में बन गया कानून मंत्री। जब वह बच्चा स्कूल गया तो उसे क्लास में बैठने तक नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उस बच्चे को जगह दी गई तो सबसे पीछे बैठाया गया। जब उसे प्यास लगती क्लास के दौरान तो उस बच्चे को पानी पीने से भी रोका गया, उसके लिए पीने का अलग से गड़ा रख दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसे नीच जाति का मानते थे, उसे नीच नीच बोलते थे। इस दौरान उस बच्चे को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। जिन किताबों को पढ़ने से रोका गया था ना उस बच्चे ने उन्हीं किताबों से ऐसी दोस्ती कर ली कि वह बाद में बड़ा होकर भारत का पहला कानून मंत्री बन गया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। यह बच्चा और कोई नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्यार करते हो तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक लड़का जिसने अपना खून अपने देश के लिए खुशी खुशी बहा दिया। बचपन से ही उसे देश सेवा करने का बहुत बड़ा जुनून था। उसे अंग्रेजों से इतनी नफरत हुई कि उसने सोच लिया कि मैं इन्हें देश से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उस बच्चे पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। 14 वर्ष की उम्र में स्कूल की सारी किताबें और कपड़े जला डाले। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किसानों का जो हुआ था उसमें साथ नहीं दिया, तब चंद्रशेखर आजाद के साथ आंदोलन शुरू कर दिए और काकोरी कांड जैसे घटना को अंजाम दे डाला। राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेजों के एक अफसर सैंडर्स को मार डाला। अंग्रेज सरकार के खिलाफ उसने बम पर्चे असेंबली में ही फेंक दिए थे। ये सब करने के बाद भी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि अंग्रेजों ने उस लड़के को यानी हमारे प्यारे भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। मेरा भगत सिंह को सत्सन नमन। जय हिंद, जय भारत। भगत सिंह को प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। तेरी लंबाई छोटी है, तू क्या फुटबॉलर बनेगा? एक 11 साल का बच्चा फुटबॉल खेलने के लिए एक फुटबॉल टीम के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने टीम में फुटबॉल खेलने का मौका दे दीजिए। लेकिन उस बच्चे को फुटबॉल टीम निकाल देती है क्योंकि उससे कहती है कि तेरी हाइट छोटी है, तू क्या फुटबॉलर बनेगा। वह बच्चा बहुत रोया। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, एक तो निकाल दिया गया तो बैठ कर पूरी जिंदगी रोता रहे और दूसरा फिर से खुद को इतना बेहतर बना ले कि उसके टैलेंट के सामने हर कोई झुक जाए। तो उस बच्चे ने अपने आंसू पहुंचे और दूसरा ऑप्शन चुना। फिर क्या था, उसने ऐसा फुटबॉल खेला कि उसकी पूरी दुनिया दीवानी हो गई। हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी की, जिन्होंने 2022 में अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप जिता दिया। जिसे ट्रेन से निकाला था धक्का देकर, उसने अंग्रेजों की ईंट से ईंट कैसे बजा डाली। एक बार की बात है, उस व्यक्ति को मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया। वो पानी के जहाज से दक्षिण अफ्रीका के डर्बन पहुंचा। उसके बाद यहां से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन के फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी उसे थर्ड क्लास डिब्बे में जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, मैंने एक टिकट फर्स्ट क्लास की ली है तो मैं क्यों थर्ड क्लास में जाऊं। उसने जाने से मना कर दिया। जैसे ही ट्रेन सफर के दौरान स्टेशन पर रुकी तो उसे धक्का देकर नीचे उतार दिया। तब उसने पूरी रात जागकर बिताई और तभी भारतीयों के साथ ऐसा जुल्म दोबारा ना हो उस व्यक्ति ने उसी समय प्रण लिया, उसी रात सत्याग्रह की नींव डाल दी। अंग्रेजों को तो यह अंदाजा भी नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों की सत्ता हिला देगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी के लिए यह वीडियो शेयर कर दीजिए। एक बंदा जिसे दौड़ने का बहुत शौक था, उसने कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा भी लिया परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान ही लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं रेस जरूर पूरी करूंगा। अब रेस शुरू हुई, उस बंदे ने दौड़ना शुरू किया, सारे धावक आगे निकल गए। वह बंदा थक गया था तो फिर वह रुक गया। फिर उसने बंदे ने खुद से बोला कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता ही हूँ। उसने ऐसा ही किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब ज्यादा थक गया नीचे गिर गया। फिर उसने खुद को बोला कि करूंगा तो रेस तो पूरी करूंगा। फिर उठ खड़ा हुआ और लड़ खड़ाते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसने रेस पूरी कर ली। माना दोस्त कि वह बंदा हार गया, लेकिन उसने जो विश्वास अपने ऊपर बनाया वह चरम पर आ चुका था। पहले सोचता था कि मैं पूरी तरह से नहीं रेस को जीत सकता और अंत में आज उसको यह रास्ता दिखा कि वह रेस जीत सकता है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना आत्मविश्वास कभी भी गिराए ना।